हेलो एवरीवन, आई एम रवीना। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फाफड़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है बेसन, नमक, अजवाइन, तेल, पापड़ खार और पानी। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसके अंदर एक छलनी से हम 50 ग्राम बेसन को छान लेंगे। यहाँ मैंने 50 ग्राम बेसन लिया है और एकदम बारीक बेसन है ये। बेसन को छानने से क्या होगा कि उसमें जो गुठली रहती है वो सारी निकल जाएगी, हमें एकदम फाइन बेसन जो है वो मिल जाएगा उससे। तो एक बार बेसन को ज़रूर छाने, उसके बाद हम इसमें डालते हैं नमक। यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, लेकिन ये बराबर है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पापड़ खार। पापड़ खार और नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मार्केट में जो होते हैं उसमें पापड़ खार ही डलता है। अब मैं इसमें चुटकी भर पापड़ खार डालना है। ज़्यादा पापड़ खार डालेंगे तो आपके फाफड़े जो हैं वो कड़वे हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है। इस तरह से मसल के उसको डाल दें हाथ से। अब हम इसमें डालते हैं मोयन के लिए तेल। यहाँ पे मैं 3 चम्मच छोटे चम्मच लिए हैं मैंने ऑयल डाल रही हूँ। कोई सा भी खाने का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार सबको अच्छे से मिला लें। पापड़ खार और बेकिंग सोडा डालने से क्या रहता है, हमारे जो फाफड़े हैं वो बहुत खस्ते बनते हैं। मार्केट में जो फाफड़े आते हैं उसमें पापड़ खार ही डालते हैं वो लोग। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। पानी जो है वो बिल्कुल मेज़रमेंट से मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ही पतला आपका आटा लगेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। उससे हमारे जो फाफड़े हैं वो बराबर से नहीं बनेंगे, और अगर आप उसको थोड़ा ड्राई रखते हैं तो भी आपके फाफड़े नहीं बनेंगे, वो टूटने लग जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार चम्मच से सबको नीचे मिक्स कर लें बाउल में। उसके बाद हाथ पे इस तरह से थोड़ा तेल ले लें और आटे की, अब जो हमने ये आटा लगा दिया है बेसन का, इसकी हमें मसाज देनी है। तो ये हमारा डो है अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, तब तक हमें इसे हाथों पे इस तरह से मसलना है। मसलने से क्या होगा कि हमारे जो फाफड़े का जो प्रोसेस है बनाने का वो बहुत अच्छे से बनेंगे, वो आप आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 2 से 3 मिनट मसलने के बाद हमारा एकदम सॉफ्ट डो बन जाएगा। अब हम उसका थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरह से उसको लंबा रोल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक चॉपिंग बोर्ड लेना है लकड़ी का, या फिर आप जो आपका रोटी बनाते हैं चकला उस पर भी आप बना सकते हैं, पर वो लकड़ी का होना चाहिए। अब इस तरह से आपको उसको साइड में रखना है, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पर, और अपने हथेली का जो पीछे वाला जो पोर्शन रहता है उससे उसको एक बार थोड़ा चपटा करना है। उसको हल्का सा दबा दें ताकि वो थोड़ा शेप ले ले। अब आप जो आगे का जो बचा है बेसन, उसको आपको हथेली से इस तरह से आगे लेकर के आना है। तो ये आपका देखिए फाफड़ा बन गया है एक बार में। अब इस तरह से आप बाउल से उसको क्लीन कर लीजिए हाथ को, और एक चाकू लेना है, अच्छा शार्प नाइफ लेंगे आप, बिल्कुल पतला वाला, उसको इस तरह से नीचे से आप निकाल दें तो ये आपका फाफड़ा जो है वो ईजिली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फाफड़ा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं, जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको काट लेते हैं चाकू से। इसी तरह से हम और फाफड़ा बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस से आप इस तरह से लोई बनाइए उसकी लंबी। उसके बाद उसको आप एक बार बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि फाफड़ा जो है वो दूसरा जो आप बनाएंगे वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, वो उस पर नीचे उसको बेसन मिलेगा तो वो चिपक जाएगा उसके ऊपर। तो हर बार फाफड़ा बनाने से पहले बोर्ड को क्लीन करिए, उसके बाद सेम प्रोसेस से फाफड़ा बनाइए। ये देखिए कितना इजीली स्मूथली फाफड़ा बन गया है। और ये अगर इस तरह का आप कोई बाउल लेंगे जिसमें किनार होगी तो आपको हाथ साफ़ करने में थोड़ा इजी रहेगा, और चाकू को भी क्लीन करते जाइए। और इस तरह से सारे फाफड़े बना सकते हैं आप। पहला फाफड़ा नहीं बनेगा तो दूसरा फाफड़ा तो गारंटी है कि आपका एकदम बन ही जाएगा। और जिस साइज़ की आपकी कढ़ाई है उसी साइज़ का फाफड़ा बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाफड़ा तो हम बेलन से भी बना सकते हैं, तो मैं आपको बेलन से बना करके बताती हूँ। देखिए, अगर आप बेलन से उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो जब आप उसको बेलेंगे तो देखिए ये बेलन पर भी बेसन साथ में आ जाएगा, और बेसन और जो है बोर्ड पे भी अच्छे से एकदम चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं ईजिली। तो ये देखिए, हमें इस तरह से नहीं बनाना है, हाथ से ही फाफड़े बनाने हैं और बहुत फटाफट बन जाएंगे, बहुत ईजी बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 3 फाफड़े बना दिए हैं। तीनों की दोनों साइड्स की बॉर्डर मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, एक जैसा शेप दे दिया है। अब इन्हें तलते हैं। तेल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एकदम गर्म तेल में अगर आप फाफड़ा डालेंगे तो वो जल जाएगा,
तो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी आपको मीडियम ही रखनी है। आराम आराम से फाफड़ों को तलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें तलने में, वैसे भी बहुत पतले होते हैं ये। एक दो मिनट के बाद आप इस तरह से उनको ऊपर से थोड़ा दबा दें ताकि ऊपर भी उनके तेल आ जाए और ऊपर से भी उसकी अच्छे से सिकाई होने लग जाए। जब थोड़े से सिकने लग जाएंगे उसके बाद हम इनको पलटेंगे, एकदम से डालते ही आपको फाफड़ों को नहीं पलटना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे फाफड़े। अभी हम इनको पलट देते हैं एक बार। अगर बारीक बेसन में आप फाफड़े बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट फाफड़े बनेंगे आपके, मोटे बेसन में फाफड़े नहीं बनते हैं। नहीं तो मोटे बेसन से क्या होगा कि जब आप फाफड़ा बनाएंगे तो उसमें बहुत सी दरारें आ जाएगी और जब उसको तलेंगे तो वो टूट सकता है तेल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाफड़े हमेशा आप बारीक बेसन में ही बनाएं, और अगर आपके कढ़ाई में जगह है तो आप और फाफड़े भी डाल सकते हैं साथ साथ में, और जो बन गए हैं उनको आप निकालते जाइए। तो इस तरह से फटाफट आपके सारे फाफड़े बन जाएंगे। इन्हें आप हरी मिर्ची और प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं गरम गरम, और आप चाहें तो जलेबी भी साथ में बना सकते हैं। इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी की वीडियो मेरे चैनल पर दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो देखिए मैंने अपने फाफड़े सारे बना लिए हैं, इसी तरह से मैं और फाफड़े भी बना लेती हूँ। तो सारे फाफड़े हमारे बन चुके हैं, यहाँ लगभग 7 से 8 या 8 से 10 फाफड़े आराम से आपके बन जाएंगे इतने बेसन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने कमेंट्स और सजेशंस आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।